वो आदमी बोला, बॉस वो वही लड़का है जो पहले भी मैडम का पीछा कर रहा था, अर्जुन, लेकिन अब वो मैडम को उनके घर तक फॉलो करने लगा है। ये सुनते ही ओजस की आंखें बिल्कुल सख्त हो गईं। तभी उसे अपने डैड की खिलखिलाहट भरी आवाज सुनाई दी। ओजस, तुम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और उस लड़की को कोई और उठा कर ले जाएगा और फिर उसकी शादी होगी और फिर बच्चे होंगे जो तुम्हें मामा मामा कहकर बुलाएंगे। डैड चुप हो जाइए। ओजस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी अक्षिता किसी और के साथ हो, वो सिर्फ उसके बच्चे की माँ बनेगी। ओजस जल्दी से अपनी जगह से उठ गया और अपनी आदमी के साथ बाहर आ गया। उसके डैड बस उसे गुस्से से वहां से जाते हुए देखते रहे। तभी उसके डैड का फोन बजा और फोन करने वाले का नाम देखकर उन्होंने तुरंत फोन उठा लिया। फोन उठाते ही उन्होंने कहा, हाँ बोलो। सामने से आवाज आई, मालिक, आपने जिस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहा था उसका हमने पता कर लिया है। ओजस सर जिस लड़की को पसंद करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि अक्षत जिंदल और वैशाली जिंदल की बेटी अक्षिता जिंदल है। जैसे ओजस के डैड ने उस आदमी के मुंह से ये नाम सुना, उसका दिमाग फटने वाला हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या उसके बेटे को पूरी दुनिया में उन दोनों की बेटी पसंद आई थी? लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो बस इस बात से खुश हैं कि कम से कम उनके बेटे को कोई लड़की तो पसंद आई, वरना तो उन्हें अपने पोते का मुंह देखे बिना ही मरना पड़ता। जिंदल मेंशन में अक्षत की दादी और अक्षत दोनों सोफे पर बैठे थे। अक्षत की दादी के हाथ में माला थी और माला जप रही थी। अक्षत न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। सर्दी का सुहाना मौसम था और वैशाली और गायत्री सबके लिए पकौड़े खाने के लिए तैयार कर रही थी। तभी डोर पर किसी ने दस्तक दी और एक नौकर ने जाकर दरवाजा खोला। अक्षत की दादी ने पूछा, कौन आया है? तभी एक आदमी की आवाज दरवाजे से आई, नमस्कार, तो कैसे हैं आप सब? अक्षत ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने उस आवाज को पहचाना तो उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उसने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही अक्षत की नजर उस आदमी से मिली, उसकी आंखें छोटी हो गईं और उसके मुंह से एकाएक ही निकला, लविश ओबेरॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैशाली भी तब तक पकौड़े लेकर आ गई थी और उसके पीछे पीछे गायत्री चाय लेकर आ रही थी। वैशाली भी लविश को इतने सालों के बाद देखकर हैरान थी, क्योंकि लविश और अक्षत के बीच खटास अभी तक कम नहीं हुई थी, लेकिन अब उनकी फैमिली और लविश की फैमिली के बीच बिजनेस रिलेशन थे। वैशाली और अक्षत इस बात से अनजान थे कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे तब लविश जब भी इंडिया आता तो वो अक्सर जिंदल मेंशन आया जाया करता था, क्योंकि अभिनव की कंपनी जब अमेरिका में लॉस में चल रही थी तब लविश ने उसकी काफी मदद की थी और उनके संबंध उस टाइम से अच्छे हो गए थे। लेकिन उस वक्त वैशाली और अक्षत यहाँ नहीं होते थे, क्योंकि अभिनव के साथ बिजनेस करते हुए उसे काफी ज्यादा वक्त हो गया था, इसलिए लविश और अभिनव के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। लविश को जवाब ना देते हुए देखकर अक्षत ने दोबारा से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अक्षत नाराज लग रहा था। जब अक्षत की दादी ने लविश को वहाँ देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि लविश जब भी घर आता था तो उनके साथ काफी अच्छा व्यवहार करता था, जिससे अक्षत की दादी को वो काफी ज्यादा पसंद था। लेकिन जब अक्षत की दादी ने अक्षत की कही बात सुनी तो वो थोड़ा नाराज हो गई। उन्होंने थोड़ा गुस्से से कहा, अक्षत, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? आए मेहमान से बैठने के लिए पूछने के बजाय ये पूछ रहे हो कि वो यहाँ क्यों आया है? ये कहते हुए उन्होंने लविश से प्यार से कहा, आओ मेरे बच्चे यहाँ पर बैठो। लविश आकर आराम से सोफे पर बैठ गया। उसने कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई। उसने फिर अपने सामने खड़ी वैशाली को देखा, जो उसे ही हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। उसने फिर बिना झिझक के कहा, तुम अभी भी पहले जैसी खूबसूरत हो, बल्कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। लविश ने कहा तो अक्षत का गुस्सा फिर से जाग गया। अक्षत ने गुस्से में जवाब दिया, जबान संभाल कर बात करो लविश ओबेरॉय। अक्षत बस उसे मारने के लिए खड़ा होने ही वाला था, तभी अक्षत की दादी ने कहा, अक्षत, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? उसने बस तुम्हारी बीवी की तारीफ ही तो की है। अक्षत की दादी ने फिर मुस्कुराकर लविश की तरफ देखा और कहा, अभिनव तो यहाँ अभी नहीं है, वो किसी जरूरी काम से विदेश गया हुआ है, लेकिन तुम आज सही टाइम पर आए हो।
वैशाली और गायत्री ने पकोड़े बनाए हैं, तुम भी इनके साथ पकोड़े और चाय का आनंद लो। मैं जरा मंदिर जाकर आती हूँ। एक नौकरानी आई और उसने दादी को सहारा दिया। दादी के जाने के बाद लविश ने वैशाली और अक्षत की तरफ देखा और कहा, मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करने आया हूँ। ये कहते हुए उसने एक पकोड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। वैशाली ने पूछा, तुम्हें हमसे क्या बात करनी है? लविश ने जवाब दिया, तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता है और मैं चाहता हूं कि अगले महीने उन दोनों की शादी हो जाए। लविश की बात जैसी पूरी हुई, अक्षत ने अपने हाथ में पकड़ा न्यूज़पेपर इतनी जोर से पटका जैसे वो उसे धरती के अंदर ही डाल देगा। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, लविश ओबेरॉय, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कहने की? अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मेरी बेटी की शादी, वो भी तुम्हारे बेटे के साथ, मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। अक्षत को गुस्से में देखकर लविश ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी की शादी हो तो तुम वैशाली को तलाक देकर मेरी शादी उससे करवा दो। जैसी लविश ने अपनी बात पूरी की, अक्षत अपनी जगह से उठ गया। इससे पहले कि अक्षत उसे मारने के लिए बढ़ पाता, वैशाली ने उसकी बाजू पकड़ ली। नहीं अक्षत, ये बस बकवास कर रहा है, लेकिन तुम तो होश में रहो। तभी वहां उजस की आवाज गूंजी, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओजस गुस्से से दरवाजे पर खड़ा था। उसके आदमियों ने उसे बता दिया था कि उसके डैड जिंदल मेंशन गए हैं और उन्हें ये पता लग चुका है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो कोई और नहीं बल्कि अक्षिता जिंदल है। ओजस अपनी उसी रौबदार तरीके से उन सब की ओर बढ़ा और लविश के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो गुस्से से लगातार लविश को घूरे जा रहा था। लविश ने ओजस से कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? तुम्हारे लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये देखो, ये रही तुम्हारी फैमिली, मतलब तुम्हारी होने वाली पत्नी की फैमिली। लविश ने जानबूझकर अक्षत की तरफ इशारा किया। ओजस ने सबके ऊपर नजर डाली, सब लोग उसे घूर रहे थे, खासकर अक्षत उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अक्षत ने मनी मन कहा, इस लड़के की इतनी हिम्मत कि ये मेरी बेटी को पसंद करे। और वहीं वैशाली ओजस की पर्सनालिटी से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी, क्योंकि अक्षत की भी बिल्कुल ऐसी पर्सनालिटी थी। उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका देखने का तरीका सब अक्षत से मिलता जुलता था। वैशाली को अक्षत की जवानी वाले दिन याद आ गए। वैशाली ने मनी मन कहा, जिस तरह से अक्षत ने मेरा ख्याल रखा है वैसे ही ये लड़का मेरी बेटी का ख्याल रखेगा तो कितना अच्छा होगा। वैशाली के मन में यही चल रहा था तभी उसके कानों में अक्षत की आवाज पड़ी, अपने बाप को लेकर यहां से निकल जाओ वरना ये आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। अक्षत ने कहा तो ओजस को भी गुस्सा आ गया, अंकल मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आज के बाद अगर आपने मेरे डैड से इस तरह से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओजस अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता था। अक्षत ने भी गुस्से में जवाब दिया, तुम कल के आए हुए लड़के मुझे सिखाओगे कि मुझे किससे और कैसे बात करनी चाहिए। ओजस बोला, अंकल मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी और से कैसे बात करते हैं, लेकिन मेरे डैड से आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। ओजस का सबर जवाब दे रहा था, वो ही जानता था कि उसने इस वक्त खुद को किस तरह से कंट्रोल किया हुआ था। अगर उसके सामने खड़ा हुआ आदमी अक्षिता का डैड नहीं होता तो उसे वो अच्छे से सबक सिखाता। उसने कहीं सुना था कि लड़कियों को अपने डैड से बहुत प्यार होता है, और अगर अक्षिता के साथ भी ऐसा हुआ और उसने उसके साथ इस वजह से शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उसने उसके डैड के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए ओजस कोई रिस्क नहीं ले सकता था। लविश ओजस के गुस्से को अच्छे से जानता था। वो ये भी जानता था कि अगर इस वक्त ओजस को नहीं रोका गया तो उसका गुस्सा उस पर हावी हो जाएगा, इसलिए उसने कहा, ओजस तुम किस तरह से बिहेव कर रहे हो, ये तुम्हारा होने वाला ससुर है, अगर तुम अक्षत को इसी तरह से अपना एटीट्यूड दिखाओगे तो ये तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा। ओजस ने अक्षत की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, वो तो मेरी है, उसे तो मैं किसी भी कीमत पर हासिल कर लूंगा। क्या होगा आगे, क्या मोड़ लेगा ओजस का ये कदम? क्या अक्षत कभी मान पाएगा अक्षिता और ओजस के रिश्ते के लिए?
और क्या होगा जब अक्षिता को पता लगेगा ओजस के बारे में? अक्षिता के लिए क्या मोड़ लेगा ओजस का पागलपन? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।